नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। जनपद मथुरा से बड़ी खबर, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मेराज अली ने आरपीए समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता से ईद क्यों मनाई जाती है, रमजान क्यों रखते हैं, उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान अपनी ईद उल फितर को लेकर विशेष वार्ता की। आज हम बता दें कि बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मेहराज अली साहब हमारे साथ हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि मेहराज भाई ईद क्यों मनाते हैं, मीठी ईद और रमजान उपवास के रूप में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं, रमजान ऐसा क्यों होता है, क्या मंशा है, क्या कारण है ईद के दौरान। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और भारत के समस्त बहुजन मूल्यवासी समाज को ईद की बधाई देता हूं। अभी आपने प्रश्न किया कि ईद और रमजान क्यों मनाए जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आपने हंगर इंडेक्स के बारे में सुना होगा जो सरकारें बनाती हैं, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी भूखी रहती है, यानी खाने का अभाव है, भूखी रहती है। तो रमजान के माध्यम से ये चाहा गया है, रमजान का उद्देश्य ये है कि जो भूख प्यास हम भी महसूस करें, रोजे में भूख प्यास को हम भी महसूस करें कि और लोग जो भूखे प्यासे रहते हैं उस भूख को हम महसूस करें। पवित्र कुरान में आया है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता जो खुद भर पेट खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो ये मानवता का संदेश देता है और इससे जो मानवता को पहचानने का मौका मिलता है। दूसरी चीज़ ईद से पहले जकात का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि मालदारों के माल पर गरीबों का हक है। जो जकात निकाली जाती है 100 रुपये पर 2.5 रुपया, यानी ये कमज़ोर वर्ग के लोगों को उठाने के लिए निकाली जाती है। जैसे कि उसमें शिक्षा पर भी खर्च होता है, कर्जदारों पर खर्च होता है, जो बीमार हैं उन पर भी होता है, अनाथ असहाय लोगों पर भी खर्च होता है। तो ये चीज़ हमको करनी चाहिए। कुरान के अंदर ये चीज़ें हमको बताई गई हैं, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये संदेश दिया है कि इंसानियत में कोई भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा, ईद का त्यौहार जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय का भाव पैदा हो, ये सब चीज़ें हैं इस त्यौहार का उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिएगा, हम बता दें कि हमारे साथ रहे बहुजन मुक्ति पार्टी मथुरा जनपद के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मेहराज अली जी, जिन्होंने बताया कि ईद उल फितर जो मीठी ईद है और रमजान है वो क्यों मनाते हैं। आपने सुना ही, और मानव में मानवता नहीं रही तो मानव जीवन है धिक्कार और इंसानियत होनी चाहिए, यही उन्होंने आज जनमानस को संदेश दिया। आपने सुना ही, और तो यही कहेंगे मुस्लिम, यही उन्होंने आज जनमानस को संदेश दिया। आपने सुना ही, और तो यही कहेंगे मुस्लिम समुदाय जो ईद मनाता है और जो है रमजान वो रहते हैं इतने दिनों तक, उनके लिए बताया गया उनके द्वारा हमको कि इंसानियत होनी चाहिए, मानव परमो धर्म, मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि सभी धर्म भेदों को भुलाकर आपस में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का वातावरण होना चाहिए और जो है इंसानियत हो और आपस में जो भी ऐसे लोग हैं समाज में, पीड़ित, अनाथ, गरीब, अबला नारी और असहाय तबके के जो लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। आपने सुना ही, मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।